नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 75 साल के हो गए। जी हां, आपको बता दें कि राजद उन्हें भगवान माना है और साथ ही राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में सद्भावना दिवस के रूप में लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाने का भी ऐलान किया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता। और लालू यादव का जन्मदिन है, आप लोग उनको भगवान मान रहे हैं, सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? पूरे बिहार में राजद पार्टी की ओर से और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के मानने वाले लोगों के द्वारा आज पूरे बिहार में सद्भावना दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्योंकि ऐसे महापुरुष कभी इस धरती पर जन्म लेते हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आज 75वां जन्मदिन है। हम सारे लोग, देश और दुनिया के लोग चाहते हैं कि लालू यादव जैसे लोग हमेशा आते रहें, जो सामाजिक न्याय के झंडा को आगे करें और नीचे पैदान पर जो लोग हैं उसे हमेशा न्याय मिले। हम शुभकामना देना चाहते हैं, हम अपने तरफ और अपने विधानसभा मनेर की और बिहार की तरफ से आदरणीय लालू प्रसाद यादव को कि वो सैकड़ों बरस तक हम लोग के बीच में रहें और जनता की सेवा करते रहें और मान मनोबल लोगों का बढ़ाते रहें। जो नीचे पैदान पे जो लोग हैं अपने, आज भी वो गर्व से कहते हैं कि ये जो आवाज़ है ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव का दिया हुआ आवाज़ है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद एक भगवान के रूप में हर आदमी उनको मानने का काम करता है। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सैकड़ों वर्ष तक हम लोग के बीच में रहें। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि सद्भावना दिवस जो मना रहे हैं वो सही बात है, लेकिन 90 के दशक का जो राजनीति रहा 2005 तक के, उन सब चीज़ों को भी उसमें गिनना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सत्ता पक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न गरीबों को भरपूर पेट भरा, महंगाई इतना चरम सीमा पर, अपराध बढ़ा हुआ है, तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर केवल ये सब राजनीति करते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और अभी से भी सुधरें, आने वाले दिनों में मैं अभी घोषणा करता हूं कि अगला जो 24 का चुनाव होगा वो मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे और विपक्ष की सरकार बनेगी और ये लोग हाशिए पर चले जाएंगे। एक सवाल है, जहां अभी बिहार की राजनीति में चर्चा तेज है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पे माना जा रहा है, बल्कि पूरे देश में भी ये बात की चर्चा है, राजद क्या समर्थन करेगी? यह हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे और इस पर शीर्ष नेता को ही तय करने का अधिकार है और कौन बनेगा राष्ट्रपति नहीं बनेगा ये हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार में वो क्षमता है, वो क्वालिटी है राष्ट्रपति बनने का? बहुत लोगों में क्षमता है, उनमें भी क्षमता है, लेकिन हमारे नेता जो शीर्ष नेता हैं वो तय करेंगे कि कौन राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, किनका हमारा समर्थन होगा, ये हमारे नेता तय करेंगे। एक सवाल और है कि जिस तरह से रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, शरद यादव का बंगला खाली हुआ, अब आरसीपी सिंह की बारी आई है, उनका सरकारी आवास को खाली कराया जा रहा है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच का संबंध सही नहीं रहा, यही कारण है कि पहले राज्यसभा से वो बेदखल हुए? अब देखिए, जो भी विधायक और MP रहते हों, चाहे माननीय मंत्री रहते हों, तो सरकारी बंगला पद पर बनता है तभी मिलता है और ऐसे कोई हट जाएगा तो बंगला खाली कराया ही जाता है, किसी का भी हो। तो इसमें ये तो रूटीन वर्क है, इस पर बयान देना उचित नहीं, इस पर राजनीति भी नहीं करनी चाहिए किसी को। बंगला आज किसी के पास है, अगर पद पर है तो बंगला है, बंगला अगर पद पर नहीं है तो बंगला किसी और को होता है जो पद पर जाता है। MLC चुनाव को लेकर के कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट पार्टी हो, दोनों नाराज है, क्या लगता है महागठबंधन में सब कुछ सही है और एक है क्या कांग्रेस राज्य के साथ है? कोई नाराजगी नहीं है, बयान कुछ लोग दिया है लेकिन ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस साथ है राज्य, एकदम साथ है। नहीं रहने पर वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हम 3 उम्मीदवार हमारी पार्टी दी है, सब लोगों से बात करके दी है और सब निर्विरोध चुने जाएंगे।
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता सह मनेर विधायक भाई वीरेंद्र, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि लालू प्रसाद यादव का आज 75वां जन्मदिन है और इसको लेकर के पूरे बिहार में हर जगह उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मुख्यमंत्री में वो क्षमता है, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जो कि राष्ट्रपति बनने के लायक हैं। साथ ही साथ इन्होंने यह भी तय कर दिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे और विपक्ष की सरकार बनेगी। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे की रणनीति जो है वो निकल कर सामने आती है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोर नेशन के साथ। धन्यवाद।